नमस्कार दोस्तों, मैं इंशियल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट देने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, TCS ने अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दी है और दोस्तों TCS इस बार हायरिंग करने वाला है 2022 बैच के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार, जो अगस्त एंड नवंबर में NQT आने वाला था उसका क्या होने वाला है, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं दोस्तों, अब मैं आप सभी को अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और 2022 की हायरिंग के बारे में इन डिटेल बताता हूं। तो दोस्तों, TCS ने काफी इंस्टीट्यूट्स में नोटिफाई कर दिया है कि वो आने वाला है और हायरिंग करने वाला है, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब का सीजन अब स्टार्ट हो गया है। मैं पहली काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूं, अगस्त में 2022 बैच की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यार देखो, अभी भी आज भी डेट है 6th of July, अगर अभी तक तैयार नहीं की है तो 25 से 26 दिन आप सभी के पास है अपनी हायरिंग, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि कैपजेमिनी, DXC टेक्नोलॉजीज, नगारो, एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी और एक काफी अच्छा पैकेज ऑफर करती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आने वाला है TCS हायरिंग करने वाला है, तो TCS 2022 को हायरिंग करेगा। TCS has notified all its premium institutes that they will hire 2022 batch for digital profile. तो दोस्तों, सबसे पहले जो TCS तीन पार्ट्स में हायरिंग करता है, सबसे पहले वो अपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हायरिंग करता है, फिर वो NQT से हायर करता है, फिर वो कोड बीटा से हायर करता है। कोड बीटा दोस्तों पहले हो जाता है, बट इस बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, आपको 15 जुलाई के 1st of August के बीच में आपको TCS कोड बीटा का भी नोटिफिकेशन मिल सकता है। बट TCS तीन तरीके से हायरिंग करता है। सबसे पहला है TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। TCS अपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाता है और वहां से हायरिंग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में आता है या नहीं। भाई सबसे पहले अपने सीनियर से पूछो कि सर, क्या आपके टाइम पे TCS आया था ऑन कैंपस, या फिर अपने TPO डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हो कि क्या सर, हमारा कॉलेज TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में है या नहीं। और यार काफी कॉलेज में नोटिफिकेशन आ गए हैं, कुछ कॉलेजेस में 20th of July तक स्टूडेंट्स को मीन नोटिफिकेशन फिलअप करके देना है, फॉर्म फिलअप करके देना है कि दैट दे आर इंटरेस्टेड इन TCS हायरिंग ड्राइव। सो आप ध्यान रखिए, आप सभी के कॉलेजेस में नोटिफिकेशन मिल चुके हैं, और अगर नहीं भी मिला हो तो एक बार अपने TPO डिपार्टमेंट को जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, TCS ऑफर्स टू प्रोफाइल, दैट इज निंजा एज वेल एज डिजिटल। तो दोस्तों TCS हमेशा दो प्रोफाइल ऑफर करता है, दैट इज निंजा, जहां दोस्तों आपको 3.5 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, एज वेल एज दोस्तों डिजिटल प्रोफाइल, जहां दोस्तों आपको 7 to 7.5 LPA का पैकेज देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो दोस्तों बट इन दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव दे आर हायरिंग फॉर डिजिटल प्रोफाइल। तो दोस्तों यहां आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोफाइल की हायरिंग देखने को मिल रही है, जहां दोस्तों आपको 7 to 7.5 LPA का पैकेज मिल सकता है, जो कि मैं समझता हूं यार इतनी जल्दी अगर प्लेसमेंट आपका हो गया अगस्त में तो यार बल्ले बल्ले शाबाशी है, फिर इतनी टेंशन क्यों नहीं लेनी है, फिर आप अपनी और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में एक पैकेज तो होगा ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो दोस्तों आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको देखने को मिल सकती है TCS आपके इंस्टीट्यूट में आ रही है, और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक के मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे में आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव विल बी कंडक्टेड इन TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट। तो सर सिर्फ और सिर्फ ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है सिर्फ और सिर्फ TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में होने वाली है। बट यार जो भी TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में नहीं है वो प्लीज इस वीडियो को एक तो पॉज मत करिएगा, छोड़िएगा मत, और टेंशन भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं खुद यार TCS प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में से नहीं था, मेरा कॉलेज Tier 3 में आता है, और मेरे कॉलेज से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सीधा TCS डिजिटल में प्लेस हुए थे। आप सोच सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से हो, क्योंकि बीइंग अ बीटेक इंजीनियर, बीटेक के साथ CSE की है, अगर आप अपनी स्किल्स में अच्छे हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, ड्राइव्स रोजाना प्लेसमेंट्स आ रहे हैं। आप हमारा चैनल फॉलो करके देखिएगा, तो रोजाना मैं ऑफ कैंपस ड्राइव्स के बारे में डालता रहता हूं, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। दोस्तों तो पहले मैं बता देता हूं व्हाट इज TCS डिजिटल। TCS डिजिटल है क्या भाई, जस्ट एक प्रोफाइल है। इन दिस यू विल गेट अ चांस टू वर्क ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसका जो इंटरव्यू हुआ था वो भी इंटरव्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर, उससे पूछा गया था, क्लाउड के ऊपर इंटरव्यू हुआ था उसका, AWS गूगल क्लाउड की उसे हद से ज्यादा नॉलेज थी, तो उसने सब कुछ बता दिया। और यार आप मानोगे नहीं, उसका 3.5 लाख का पैकेज सीधा का सीधा 7 to 7.5 LPA में कन्वर्ट हो गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ तो दोस्तों मशीन लर्निंग, क्लाउड, IoT, etc.
ऑफर्स अ पैकेज ऑफ अराउंड 7 to 7.5 LPA, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा पैकेज है। एक खुशखबरी और दे देता हूं यार मैं आप सभी को, 2022 बैच को एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कंपनीज हायरिंग डेट्स मैंने कैलेंडर पूरा का पूरा रिलीज कर दिया है अपने चैनल पे कि क्या हायरिंग कौन सी कंपनी कब आती है, तो एक बार 2022 बैच से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा, आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, फिजिकली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि हाँ यार इस डेट पर ये कंपनी आएगी, मुझे अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मजे से सो रहे हैं, वो सोच रहे हैं भाई कंपनी आएगी दो दिन पहले तैयारी कर लेंगे प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसे किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है दोस्तों। तो पहले मैं बता देता हूँ, माय कॉलेज इज नॉट इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, भाई चिंता की बात है बट डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि TCS कंडक्ट्स TCS कोर बीटा एंड TCS एक्यूटी, जिसके थ्रू भी यार आप TCS डिजिटल में हो सकते हो। सपोज कीजिए अगर आप TCS इंक्यूटी में सेलेक्ट होते हो, लास्ट ईयर TCS ने अपने कैंडिडेट्स को ऑफर किया था DCA टेस्ट, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट, उसमें क्या हुआ था, आपको मौका मिलता है अगर वो आप टेस्ट अच्छे से करते हो, आप सीधा प्रमोट हो जाते हो डिजिटल प्रोफाइल के लिए, बट हाँ आपकी TCS कोर बीटा एज वेल एज TCS एक्यूटी में अच्छी रैंक होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स से आपने उसको क्वालिफाई किया होना चाहिए जब भी आपको ये मौका मिलता है, तो उस मौके को यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। TCS डिजिटल लास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न, लास्ट ईयर का एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, साथ ही साथ यार अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालना है तो हमारे चैनल पर जाइए, सर्च बार है यहाँ TCS डिजिटल आप डाल दीजिएगा और एंटर पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ यार आपको एक पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है इन कैंडिडेट का, ये दोस्तों कैप जेबी के 6.5 लाख के पैकेज में सेलेक्ट हुए थे एंड TCS के डिजिटल पैकेज पे, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों और भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सैलेश इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिजिटल प्रोफाइल, तो इसको भी जरूर देखिएगा कि डिजिटल का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है वो कैसे होता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें दोस्तों लास्ट ईयर का पैटर्न बता दूं, पहले ही बता दूं यार इस साल का पैटर्न अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका भी पहला एग्जाम होगा तो आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो दोस्तों पहली बात करता हूं, सेक्शन आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा जहां आपको 215 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, टाइम दोस्तों 10 मिनट रहेगा। सेकंड सेक्शन है दोस्तों एप्टीट्यूड, जिसमें दोस्तों आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जहां दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम 40 मिनट्स। लास्ट बात करता हूं मैं दोस्तों एडवांस कोडिंग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों 1 होगा, टाइम होगा 60 मिनट्स और कोडिंग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी छोड़ देना है, ट्राई करना एटलीस्ट जितने टेस्ट केसेस पास हो जाए उतने तो जरूर करने ही करने हैं। तो दोस्तों यहां आपको टोटल मिल रहा है 110 मिनट्स का टेस्ट, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ये टेस्ट होता है, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, और यार जितना मुझे लगता है अगर मैं पैटर्न चेंज की बात करता हूं, अगर पैटर्न चेंज होता है तो डिफिकल्ट ही होगा, क्योंकि वर्चुअल की वजह से चीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंपनीज भी अपने पैटर्न काफी ज्यादा डिफिकल्ट करते जा रही है। बात करते हैं विल TCS हायर थ्रू एनक्यूटी ऑगस्ट एंड नवंबर, यस TCS विल स्टार्ट देयर हायरिंग फ्रॉम एनक्यूटी ऑगस्ट एंड एनक्यूटी नवंबर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक एनक्यूटी नहीं दिया है, एनक्यूटी जरूर दे दीजिए, उसमें अपना स्कोर कार्ड अगर आपका अच्छा होगा तो आपको ऑफर मिल सकता है, क्योंकि TCS इस बार मेगा ड्राइव करने वाला है, एटलीस्ट 40,000 कैंडिडेट्स को हायरिंग करेगा, जिसका अपडेट भी मैंने अपने चैनल पर काफी टाइम पहले दे दिया था, जहां आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पर प्रॉपर एक आर्टिकल आया था, TCS इंफोसिस विप्रो कैपजेमिनी कॉग्निजेंट काफी कंपनीज अच्छे लेवल पर हायरिंग करने वाली है। बात करते हैं ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाई शुड वी ज्वाइन, सही बात है यार, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी के दिमाग में बस एक ही चीज होगी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मेरे चैनल। तो भाई सबसे पहली बात, आज से यार मैं लास्ट ईयर के TCS के कोडिंग क्वेश्चंस एज वेल एज एप्टीट्यूड इंग्लिश क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप पे अगर फ्री टाइम में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए, वो क्वेश्चन रीड करिए, सॉल्व करिए और आंसर देखिए, मैं आंसर भी भेजूंगा बट इतनी जल्दी नहीं, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, साथ ही साथ दिस विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन, यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट 25 डेज, सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यार मैं सिर्फ और सिर्फ TCS की नहीं बोलूंगा कि TCS के लिए 25 दिन है, मैं बोलूंगा जितनी भी बाकी कंपनियां कैपजेमिनी कॉग्निजेंट एसेंचर DXC नगारो विप्रो इंफोसिस, इन कंपनीज के लिए भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये कंपनीज यार आती चली जाएंगी, अच्छे पैकेज देंगी आप सभी को, बट अगर आपके आपके हाथ से एक भी पैकेज जाता है 6.5 लाख का, तो यार नुकसान आप सभी का है,
तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि प्रिपरेशन सबकी ऑलमोस्ट सेम होगी। बात करता हूँ एप्टीट्यूड की, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो यार उसका पूरा हमने एक रोड मैप बना दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक पूरा रोड मैप है। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आपको यार सपोज करो एवरेज पढ़ना है, पहले इस टॉपिक को पढ़ लीजिए ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर कर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ दोस्तों, एक कुछ रीजन से अभी वर्क नहीं कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको ये शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से आप इसको जरूर एक्सेस कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैंने इस पे प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, कुछ रीजन से दोस्तों अभी ये वर्क नहीं कर रहा। वेट जस्ट 2 मिनट, रुक गया दोस्तों। आप जैसे मैं, हाँ जैसा कि मैं ये क्लिक किया, यहां हमें इस वीडियो में एवरेज वाला टॉपिक करना है, तो 2 मिनट यहाँ आप एवरेज टॉपिक पढ़ सकते हो। साहिल सर दोस्तों वाईफाई स्टडी चैनल है, यहाँ से आप अपना एवरेज टॉपिक पढ़ सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो नीचे वाला जरूर क्लिक कर दीजिएगा, आप इंडिया पिक्स पर आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा कर दोस्तों आप अपनी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरा कुछ भी चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी फी नहीं है, कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप सभी को अपडेट करता रहूंगा। तो एक रिक्वेस्ट है, इन सभी चीजों को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन यार अच्छे लेवल पर स्टार्ट कर दीजिए। और जिस जिसको ये डर है कि कौन सी कंपनी कब आएगी, एक बार हमारा कैलेंडर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिस जो की है कंपनी हायरिंग कैलेंडर, आप सभी को काफी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी कब हायरिंग करने वाली है। तो बस मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपका डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।